स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को 594 नए कोविड 19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इससे कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 2311 से बढ़कर 2669 हो गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के भी मामले सामने आ गए हैं। JN.1 यह ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2086 से बना है और 2022 की शुरुआत में इसी वेरिएंट ने भारी तबाही मचाई थी। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि JN.1 कोविड-19 वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। WHO ने पहले ही इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया है, लेकिन क्या इससे कोई गंभीर खतरा है? यदि हाँ तो यह कितना चिंताजनक है, और यदि नहीं तो हम इसे गंभीरता से कब लेना चाहिए, आइए जानते हैं। नीति आयोग के मेंबर VK पॉल ने कहा कि JN.1 वेरिएंट के कारण कोविड मामलों में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके कारण गंभीर मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह वही वायरस है जो अन्य देशों में भी फैल रहा है। WHO का कहना है कि JN.1 वेरिएंट के स्वास्थ्य प्रभावों को जानने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। JN.1 मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी चपेट में ले रहा है। जिन देशों में सर्दी पड़ रही है उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। WHO की पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि मौसमी फ्लू जैसे इन्फ्लुएंजा ए और H3N2 जैसे वायरसों के कारण होने वाले श्वसन संक्रमण मानसून से संबंधित बीमारियों का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनके लक्षण भी कोविड-19 लक्षणों जैसे ही होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लक्षणों वाले हर व्यक्ति की टेस्टिंग कराना संभव नहीं है, इसीलिए जिन्हें गंभीर लक्षण नजर आ रहे हैं उन्हीं की जांच करनी चाहिए। वहीं जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उन्हें गंभीर श्वसन संक्रमण या फिर निमोनिया है उनकी भी जांच करनी चाहिए। कोविड-19 के लक्षण फिलहाल हर वेरिएंट में कॉमन रहे हैं। CDC के मुताबिक JN.1 वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में नए लक्षण के साथ भी फैल सकता है और नहीं भी। अभी तक कोरोना के मरीजों में सबसे अधिक जो लक्षण नजर आ रहे हैं उनमें बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और हल्के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण शामिल हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।